ये पाथफाइंडर का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें बलून है जिसमें कि गैस है कोई और बाहर एयर है, इसकी डेंसिटी रो जीरो है। बलून का मास एम है, बलून में एक स्टोन हैंग किया हुआ है जो कि कैपिटल एम जीरो है। इसका कई वेरिएंट आ सकते हैं। स्टोन अगर यहाँ चिपका देते और स्टोन जो हैंग करेंगे, ऐसे भी चिपका के भी दे सकते हैं, हैंग करके भी दे सकते हैं, तो ध्यान देना कंसेप्ट पे। इसमें बलून जो है ऊपर राइज करेगा थ्रस्ट की वजह से, ऊपर सीलिंग है, सीलिंग में जाके टकराएगा और सीलिंग में फ्रिक्शन इनफ है कि वो जो है स्लिप नहीं करेगा। हमें पता लगाना है मास एम जीरो की क्या वैल्यूज होनी चाहिए कि ऊपर जाके ये बलून स्टेबिलाइज हो जाए। देखने में बहुत ईजी लगता है लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो लेट अस डू बाय वन बाय वन। पहली बात तो अप थ्रस्ट है, उसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ बलून 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी ऑफ जो डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेस तो बाहर ही है ना, गैस डिस्प्लेस हुई, उसका अप थ्रस्ट आएगा। अंदर की डेंसिटी नहीं लेनी, बाहर की डेंसिटी लेनी है। रो जो बाहर दी हुई है, रो जीरो इंटू जी, ये अप थ्रस्ट है। ये अप थ्रस्ट बड़ा होना चाहिए। जो नीचे फोर्सेज हैं, डाउनवर्ड फोर्सेज क्या हैं, एम प्लस एम जीरो जी। सारे फोर्सेज हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगते हैं, तो सारे फोर्सेस जो है सेंटर ऑफ मास पे लगेंगे एज फार एज योर ट्रांसलेशन मोशन इज कंसर्न। जब रोटेशनल मोशन करेंगे जो फोर्स जहाँ पे लग रहा है वहीं पे देखना होता है टॉर्क निकालने के लिए। सारे फोर्स वहाँ सेंटर ऑफ मास पे मत शिफ्ट कर देना। तो यू शुड बी ग्रेटर देन एम प्लस एम जीरो जी। उससे आपका एक कंडीशन आ जाएगा, एम जीरो शुड बी लेस देन U माइनस एम जी अपॉन जी। तो मास एम जीरो की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि बलून ऊपर राइज करे। अब सोचिए बलून राइज करते करते यहाँ पे आ गया और ये नॉर्मल रिएक्शन का आपका है, n जो है इस डायरेक्शन में जाएगा और ये एंगल है इस जिस पॉइंट ऑफ मोमेंट जो जब उसने स्ट्राइक किया तो ये एंगल होगा थीटा। सपोज ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए है जहाँ पे बलून का धागा बंधा हुआ है, एम जीरो है, बलून का मास एम है, और ये इसके वर्टिकली अपोजिट मैं अगर पॉइंट देखूं तो ये पॉइंट बी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ओ है सीलिंग पे। और अब जो है क्योंकि अब थ्रस्ट का एक फोर्स ऊपर लग रहा है यू और नीचे फोर्स लग रहे हैं एम प्लस एम जीरो जी, इस सिचुएशन में जब वो बलून स्ट्राइक किया एम और एम जीरो जी एक ही लाइन में है, इधर ही एम है इधर ही एम जी है, दोनों एक ही लाइन में है क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करते हैं और ये इस पोजीशन में है। तो अप थ्रस्ट एम एम जीरो एक ही वर्टिकल लाइन में है जिसका डिस्टेंस है आर साइन थीटा। तो नेट टॉर्क हमें इसमें लगेगा ऐसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेगा क्योंकि जो है कंडीशन ये है अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन एम जीरो जी, तो अप थ्रस्ट का टॉर्क जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसका टॉर्क इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये घूमना शुरू होगा। सो नेचुरली अब क्योंकि ये स्लिप नहीं करेगा ऐसा हमें दिया हुआ है, तो ये रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा तो बलून जो है इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। तो सपोज किसी मोमेंट पे ये जो है ऐसा पोजीशन आ गया, पहले यहाँ पे कांटेक्ट था ओ पे, अब नए कांटेक्ट पॉइंट पे आया ओ डैश। कांटेक्ट पॉइंट चेंज होते रहेंगे सीलिंग से क्योंकि उसका जो है मोशन चल रहा है इस डायरेक्शन में, जो है इसका मूव करने का टेंडेंसी है। और ये जो था पहले बी ए भी जो वर्टिकल था वो ए भी इस पॉइंट पे आ गया सपोज इसी सिचुएशन में, और ये आपका वर्टिकल लाइन मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन था। वर्टिकल लाइन से ए बी का पहले एंगल जीरो था, सपोज न्यू एंगल ए बी का आया फाइव, इससे कंफ्यूज मत करिए, ये एंगल तो रहेगा ही थीटा, ये तो नॉर्मल है, ये एंगल तो थीटा रहेगा ही, ये थीटा है। लेकिन ये जो पहले जो एंगल था हमारा ए बी का जीरो था, यहाँ पे फाइव जो है जीरो है और यहाँ पे फाइव जो है फाइव है, कोई एक एंगल है। तो मास एम जीरो जो है वो यहां पहुंच गया है। अगर ये स्टिक से कनेक्ट किया होता और स्टिक परपेंडिकुलर ऐसे रहती कि स्टिक इससे जो है ऐसे फिक्स है कि हमेशा नॉर्मल रहेगी,
उस प्रॉब्लम में आप M0 को ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, अगर प्रॉब्लम में ऐसे दिया होता। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, तो ये वाला चीज नहीं होगा। वैसा भी हो सकता है प्रॉब्लम, मल्टीपल तरह से प्रॉब्लम को दिया जा सकता है, टेंजेंशियली लगाया जा सकता है, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा ही सकते हैं। ये इस पोजीशन में आ गया। अब देखिए, अब थ्रस्ट तो ऐसे ही लग रहा है U, और ये mg ऐसे ही लग रहा है, तो नेट टॉर्क जो इस डायरेक्शन में लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो लगेगा U माइनस mg इंटू आर साइन थीटा, क्योंकि ये तो हमेशा एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में है U और mg, और इनका डिस्टेंस हमेशा इससे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अब O डैश है, इससे आर साइन थीटा ही होगा हमेशा। ये जो पहले लिखा था हमने आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा ही रहेगा। ये देगा हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि U इज ग्रेटर देन एनी वे mg, U वॉज ग्रेटर देन m प्लस m0g, तो U इज ग्रेटर देन mg एनी वे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है, क्लॉकवाइज जो है वो देगा m0g, लेकिन जैसे इनिशियली m0g और mg दोनों जो है एक ही डिस्टेंस पे थे, r sin थीटा पे थे, लेकिन अब mg का जो m0g का जो डिस्टेंस है, आप ध्यान से देखिए, m0g का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है r sin थीटा प्लस r sin phi। r sin थीटा तो ये था ही, ये वाला डिस्टेंस, ये r sin थीटा है, क्योंकि ये phi रोटेट हो गया वर्टिकल एंगल एक्सिस से, जो ए बी लाइन थी, तो r sin phi और ऐड हो गया, तो ये तो इसका डिस्टेंस है, और मास फोर्स कितना है m0g। अब ये तब तक रोटेट करता रहेगा जब तक एंटी क्लॉकवाइज इज ग्रेटर देन टॉर्क क्लॉकवाइज, तब तक ये रोटेट करता रहेगा। अब मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम हमारा जो टॉर्क, अपोजिंग टॉर्क है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है टी क्लॉकवाइज का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, थीटा तो कांस्टेंट है, फाई की मैक्सिमम कितनी है, फाई की मैक्सिमम साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, क्योंकि फाई की वैल्यू जब पाई बाय 2 होगी तो साइन फाई 1 हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू टी क्लॉकवाइज मैक्सिमम इज m0g प्लस आर साइन थीटा इज, और नॉट प्लस, इनटू इनटू क्रॉस नहीं है ये, इनटू है, डॉट लगा देता हूँ, इनटू ब्रैकेट लगा देता हूँ, आर साइन थीटा प्लस आर साइन फाइव की मैक्सिमम वैल्यू ले ली हमने 1, तो ये है m0g आर साइन थीटा प्लस 1, ये मैक्सिमम है। ये वाला टॉर्क जो है हमारा अपोज कर रहा है आपके एंटी क्लॉक वाइज वाले टॉर्क को। हमें इस बलून को स्टेबिलाइज करना है, मींस रोकना है। रोकने के लिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क इसको मूव, सॉरी, रोकने के लिए हमें एंटी चाहिए, सॉरी क्लॉकवाइज चाहिए, क्या हो रहा है, रोकने के लिए हमें क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए, टू स्टॉप आई नीड क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड टू मूव आई नीड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जो कि है U माइनस mg इंटू आर साइन थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू है रोकने के टॉर्क की, हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा मुझे टॉर्क नहीं मिल सकता रोकने के लिए। अगर यहां पे ये रुक गया, यहां पे ये रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे ये नहीं रुका, इस मैक्सिमम टॉर्क पे भी नहीं रुका, तो ये कभी नहीं रुकेगा। तो यहां पे ये वाली जो वैल्यू है इस टॉर्क की शुड बी ग्रेटर देन, मींस m0 gr साइन थीटा प्लस 1 मैक्स, साइन थीटा प्लस 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन जो मूविंग टॉर्क है u माइनस mg इनटू साइन थीटा। सो m0g इंटू ये आर भी है, सॉरी, सो आर आर आप कैंसिल कर दीजिए, सो m0
should be greater than u minus mg into sine theta upon sine theta plus 1. u की वैल्यू कितनी थी? तो m0 g नीचे शायद g भी आएगा. यस m0 should be greater than u की वैल्यू है 4 upon 3 pi r cube जो भी rho या rho 0 जो भी दिया हुआ है rho 0 g minus mg into sin theta upon g sin theta plus 1. So m0 should be greater than 4 pi r cube rho 0 minus m into 3 upon sin theta upon 3 sin theta plus 1. तो ये आ गई m0 की आपकी वैल्यू, इससे बड़ी होनी चाहिए. और यहाँ पे m0 की वैल्यू ऊपर आई थी, m0 should be less than u minus mg upon g और m0 should be greater than this. So हमारा जो है greater than और equal to मान लेते हैं इसको, क्योंकि वहां पे आके जस्ट वो रुक जाएगा और इससे तो कम होना चाहिए, तभी वो ऊपर जाता रहेगा. तो ये हमारी रेंज आ गई m0 की.